राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राजनीति बड़ी जाचारी, कैसे कैसे बने पुजारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। फिसली जवान निकल गई हारी, पलटी बाजी पलट गई बारी। राम सिया राम सिया राम जय राम। दो दो तो वचन निभा लो, बन जावे की करो तैयारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भैया रा राम राम। हमें बुंदेली चुगरी से नीरज और ये खबर के प्रायोजक हैं हिंदुस्तान मोटर्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी ऊ की भैया। सो खबर के प्रायोजक तो ठीक है, खबर जाएगा ये दीपावली की सब जगह। पहले तो राम राम पहुंच जाए। और आज है नरक चौदस, और नरक चौदस का है कि अपने हिसाब से सब जन मनाओ। तो ढिलापुर भाई ने बताया तो ले रहे कि नरक में आदमी अपने हाथों से ज्यादा अपने कर्म से ज्यादा तय है। आज से देखो तो तय होगा कि आदमी अगर नहीं अपनी जवान पे कंट्रोल रख पाओ, नियंत्रण रख पाओ, तो बात इतनी बुरी चल जाए। यही से कहा है कबीरदास, कह गए थे कि तोल मोल के बोल। अब आदि तोल मोल के बोलत नहीं है। अब जो उपचुनाव संपन्न भाई, उपचुनाव संपन्न भाई पी के पहले जो चुनाव अभियान चलो तो वे अजय सिंह रावल नहीं है, राहुल भैया, राहुल भैया अब जोश जोश में जोश जोश में बड़ा मलेरा की सभा में कछु ऐसो कह गए कि अब लेवे के देवे भर प्राण घाटे भर रही। और ने कही थी अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ना बने, इतने विधायक हमारे ना जीते, भाजपा का ना हारे, तो भी राजनीति से संन्यास ले रहे। सो अब तो खबर यही होनी चाहिए कि भैया अजय सिंह राहुल राजनीति से संन्यास ले रहे। अब ले रहे हैं कि नहीं, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हम तो राजनीति संन्यास ले रहे, हम राजनीति ना कर भी, लेकिन राजनीति के बिना जिंदा नहीं रह पाऊ जो रहते हैं। सो अब अजय सिंह राहुल जो कह रहे थे पहले जो सुन लो, फिर कथनी करनी में अंतर की अगर को उदाहरण देखने तो बहुत राजनीति में देख लो, कांग्रेस के भीतर देख लो। तो अजय सिंह राहुल की पहले सभा में सुन लो घोषणा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कान खोल के सुन लो भाई, 10 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे, ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं 28 में से 16, यदि एक सीट वो सिंधिया जीत जाए तो मैं राजनीति कभी नहीं करूंगा। अब जी अजय सिंह राहुल बड़ी बड़ी बात जब कह गए, तो उसमें क्या आके कह गए थे, जो उसमें आके कह गए थे, लेकिन होश कह बैठे थे, खो बैठे थे। तो देखो ऐसो भाव, अब जब इन्हें मीडिया वालों ने चुनाव के बाद पकड़ो तो इनकी बोलती ये बात तो बंद रहती कि अब जो संन्यास ले हैं कि क्या करें। अब जो कह रहा हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, वो कह रहा तो हार मानो, अब चुनाव हार गए तो हार, लेकिन तुम्हें कहते चुनाव हार दे तो हम हार दे भी, मतलब घर रह जाए भी, लेकिन अब तुम कह रहा हार नहीं मानूंगा। सुन लो था ना, देखिए हार जीत होती रहती है, लेकिन हार मानना नहीं चाहिए। कभी चुनाव जीतते हैं, कभी चुनाव हारते हैं, परिस्थिति बनती है, लेकिन कांग्रेस हर संघर्ष के दौर से बेहतर मजबूती से उभरती है, और आगे भी कांग्रेस उभरेगी। एक चुनाव में पूरा युद्ध नहीं हुआ, आगे भी बहुत मौके रहेंगे। कमलनाथ जी नेतृत्व करते हैं, देखिए कौन किसका नेतृत्व करेगा, कब क्या होगा, इसकी टिप्पणी हम लोग कोई नहीं कह सकते, लेकिन कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, नेतृत्व करें। जाए भैया स्थिति देखो, मतलब नेतन की बात पे कैसे आदमी भरोसा करे, जो मानने और समझने पड़े। खैर राजनीति आ गई, राजनीति इतनी ग्रह होता है, धूर्त प्रताप अखंडता ये सब चीजें अब इनमें जरूरी हो गई। अब एक जने बेहतर जीतू पटवारी बड़े तो उसे घूमो करते, चुनाव के पहले फाड़ के रखे थे माइक में चिल्ला चिल्ला के, लेकिन अब उनके तेवर ठंडे पड़ रहे। अब वे अपने नेतन की बकात कर रहे, वाला वाला मीडिया वाले जैसे पकड़ो झेप से जा। सुन लो तारा ने, अरे जीतू भैया थोड़े इधर, जीतू
उन्होंने कि जनादेश जैसा आया है आश्चर्यजनक है, जो रिपोर्ट आ रही थी उसके विपरीत है, और इतनी बड़ी मार्जिन से जो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती वो सीटें भारतीय जनता पार्टी को भी अचंभा है कि उनको इतना वोट कैसे मिला। ये चिंता और विश्लेषण का विषय है। एक बात उन्होंने बहुत ताकत से बोली, उन्होंने कहा कि तीन साल कांग्रेस को विपक्ष के रूप में मध्य प्रदेश को समृद्ध करने के लिए अपनी भूमिका तो निभाना ही है, पर कांग्रेस के संगठन को कैसे हम इतना मजबूत करें कि कोई उसमें चूक ना हो। और एक बात और महत्वपूर्ण उनके पूरी भावना में आई कि मैं जब तक समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना में पूर्ण नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस जन का एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता के साथ मिलकर कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से, जो उनका भाव सत्ता में रह के मध्य प्रदेश के लिए था वो विपक्ष में रह के भी रहेगा, एकजुट रहकर हमें ताकत से लगे रहना है। और साथ ही साथ एक अच्छी भावना, सकारात्मक भावना उन्होंने अपनी उद्दलित की। मैं मानता हूं कि ये पॉजिटिविटी के साथ मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी सेवा करेगी। हाँ, मैंने जैसा कहा चुनाव चले गए और चुनाव के पहले जितने हमने अपनी बातें कही, बीजेपी ने अपनी बातें कही, अब रिजल्ट के बाद हमारी ड्यूटी है, कांग्रेस पार्टी की ड्यूटी है कि हम समृद्ध मध्य प्रदेश में एक अच्छे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। मैं मानता हूं कि हम सबको मिलकर सकारात्मक विपक्ष की अच्छे से भूमिका निभाने। जैसा कहा कमलनाथ जी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता तन मन और धन से है। जय भैया दशा। कुल मिला के आत्म अवलोकन को समय इनके पास आ गया, जो वक्ता हो कि अब जी अपनी चिंतन करें, सब जने अपने संगठन के मजबूत करें, एक दूसरे की टांग खिंचाई बंद करें और एकजुटता से भाजपा वाले से कभी सीख लो भैया, अरे तो कहाँ लड़ मर के तुम एक दूसरे की टांग खींच खींच के निपट जाए। अगर तनक संजीत की हिसाब किताब ठीक ठाक चल रहा हो तो सिंधिया जी कहाँ वक्त है, और तो भाजपा ने तैयारी कर ली सिंधिया कहमा की, जितने कांग्रेसी जुड़े उनके उन्हें अब भी भाजपा की प्राइमरी शिक्षा जो होती ना पूरी तरह पाठशाला लग रही है उनके अभ्यास वर्ग लग रहे जिला स्तर पर संगठन स्तर पर, उन पर काम शुरू होगा। फिलहाल हम ले रहे भैया थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक से मतलब कि अब अगली खबर हम फिलहाल बुलेटिन लेके, तो दिवाली की फुलझड़ियाँ आज फूटे थे राजनीति के अखाड़े से, अब तो ले रहे विदा, राम राम भैया। मधुबन ग्रुप प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर के सबसे प्राइम लोकेशन कोला रोड डीमार्ट के पास। मधुबन हाइट एक भव्य और आधुनिक टाउनशिप, मधुबन हाइट्स कोला रोड पे एक ऐसी टाउनशिप आए जिन्हें हबीबगंज स्टेशन 15 मिनट की दूरी पे मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के जा सको और डीपीएस स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इतने पर आपका मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा, साथ ही अनेक भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, एसी जिम, किड्स जोन, साथ ही भव्य प्रवेश द्वार, 24 घंटा सीसीटीवी सुरक्षा, मधुबन हाइट्स पर आप पाओ सबसे किफायती दामन पर सब सुविधा युक्त कॉर्नर फ्लैट, जी में है हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन जी की गुणवत्ता बना दे है आपको इको दीवाना।
तो आप सब जनों को स्वागत है मधुबन हाइट्स पर, जहां पर शहर की सबसे सुंदर लोकेशन प्राकृतिक वातावरण। सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट आसान किस्तन पर भुगतान की सुविधा बैंकन के द्वारा विभिन्न सुविधा उपलब्ध है। तो मनाओ एक त्योहार अपने सपनों के आसियाने पर, जहां पर हर सुविधा है जो आपका और आपके परिवार के लाने हुई है खास। ये प्रोजेक्ट में आपका बुकिंग करने पर मिले मॉड्यूलर किचन, हॉल, सीलिंग, वॉलपेपर, एलईडी लाइट, वुडन पैलिंग, खिड़की और दरवाजा सेंटर लॉक के संग, जिसकी कीमत है लगभग 4,50,000 एडिशनल वर्ल्ड ट्रेड से मिले। शोर शराबा से बिल्कुल दूर, हरियाली से भरपूर मधुबन हाइट्स में आपका स्वागत है।